हेलो डियर स्टूडेंट, इजी स्टेप सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या पूछा जा रहा है पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां पे फिगर बनाओगे, देख सकते हैं यहां पे डियर स्टूडेंट बी और सी डैश, एक यहां से यहां तक एक पेड़ था। डियर स्टूडेंट, आंधी आई और आंधी के कारण क्या हुआ, ये पेड़ यहाँ पॉइंट ए से टूट कर यहाँ पे सी पे आके गिर के जमीन पे लग गया। डियर स्टूडेंट, और बोल रहा है कि पेड़ का जो पाद बिंदु है, पाद मीन्स यहाँ पे पैर होगा, जहाँ पे जड़ होता है डियर स्टूडेंट, वहाँ से और जहाँ पे टूट कर गिरा जमीन पे, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी बताई जा रही है, 8 मीटर बताई जा रही है। इट मीन्स कि बी और सी की दूरी 8 मीटर बताई जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम सबको ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं हम सब, पहले क्वेश्चन में जो भी दिया हो उसको हम सब लिख लेते हैं। यहाँ थीटा कितना बना रहा है डियर स्टूडेंट, 30 का, तो यहाँ पे हम सब 30 डिग्री लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम सब यहाँ पे लिख देते हैं क्या उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री है डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया, जमीन को छूने वाले डिस्टेंस, तो यहाँ पे हम नेम के साथ देते थे डियर स्टूडेंट, बीसी इज इक्वल्स 8 मीटर है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसमें हम सब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पे ए और बी का जो हाइट है डियर स्टूडेंट, इसको निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट, ए बी ज्ञात करना है। हमें ए बी ज्ञात करना है, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम सब देख सकते हैं थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और बेस का जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम सब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, कौन सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग करेंगे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पी है, यहाँ बी है, तो हम लोग टेन थीटा का प्रयोग कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। तो आइए हम सब लिखते हैं यहाँ पे टेन थीटा, तो टेन सी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सी थीटा है, तो यहाँ पे पी बाई बी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख दें डियर स्टूडेंट, जो थीटा का वैल्यू है उसको लिख देते हैं, टेन थर्टी इज इक्वल्स पी, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी है, इसलिए हम सब यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। यहाँ पे बी बेस है, तो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे लिख दिए डियर स्टूडेंट। अब हम सब यहाँ पे इसका मान को रखते हैं, टेन थर्टी डिग्री कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल्स ए बी का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम सब ए बी को ए बी रहने देते हैं, और बी सी का मान 8 मीटर है, तो इसलिए हम सब यहाँ पे 8 रख देते हैं। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ए बी रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम सब पहले लिख देते हैं ए बी, तो पहले रूट थ्री ए बी लिख देते हैं यहाँ पे, इसको पहले लिख दिया, और 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिया। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ए बी का मान के लिए ए बी बराबर क्या होगा, चूंकि हम मल्टीप्लीकेशन में हैं
अगर हम सब ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्या बन जाता है, डिवीजन में आ जाता है, इसलिए 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 अपॉन रूट 3। तो डियर स्टूडेंट इसको हम सब इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि हम सबको यहाँ पे ए बी का जो मान निकल चुका है। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो पेड़ का जो भाग टूट के ज़मीन में गिरा यहाँ पे, तो वो भाग क्या है, ए सी। तो आइए हम सब ए सी का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हमें ए सी ज्ञात करना है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज तो ए बी सी ही रहेगा डियर स्टूडेंट। लेकिन हम सब क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि आखिर त्रिकोण मिति का कौन सा रेशियो लेके हम सब बनाए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो ए सी है, ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, और यहाँ पे बी बेस का मान दिया हुआ है एच, और यहाँ पे बी है। तो एच और बी का जो हम सब रेशियो में जानते हैं डियर स्टूडेंट, कोस थीटा में होता है बी बाई एच, तो इसलिए हम सब कोस थीटा का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कोस सी इज इक्वल्स यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, बी अपॉन एच, और कोस अब यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस 30 इज इक्वल्स बी, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पे आपको बी सी है, तो बी सी अपॉन एच क्या है, ए सी है। तो हम सब यहाँ पे नाम, अब यहाँ पे इसका मान इधर लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन का दूसरा हिस्सा इधर लेके आ जाते हैं। तो कोस 30 का वैल्यू हम सब यहाँ पे लिख देते हैं डियर स्टूडेंट, कितना होता है रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स यहाँ पे बी सी, बी सी का मान दिया हुआ है तो 8 हम सब यहाँ पे लिख देते हैं, ए सी का मान नहीं दिया हुआ है जिसको ज्ञात करना है, तो ए सी को ए सी रहने देते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 3 ए सी इज इक्वल्स 8 इंटू 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब क्या कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी बराबर 8 इंटू 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। या हम सब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए सी बराबर 16 अपॉन रूट 3। सपोज यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लें, या फिर सिर्फ ए सी रहने दिया डियर स्टूडेंट, चूँकि हम सबको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और पेड़ की ऊंचाई अगर देखा जाए तो ए बी प्लस इसको अगर यहाँ से उठा दिया डियर स्टूडेंट तो ये होगा, तो ए बी प्लस यहाँ पे ए सी हो जाएगा, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा डियर स्टूडेंट, ए बी प्लस ए सी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ए बी का मान ये क्या देख लेते हैं हम सर, ए बी का मान इक्वेशन 1 में दिख रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 8 अपॉन रूट 3, और बी सी का मान कितना है डियर स्टूडेंट, बी सी का मान आप ए सी का मान डियर स्टूडेंट, ए सी का मान यहाँ पे 16 अपॉन रूट 3। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसको हम सब एड करते हैं, एलसीएम यहाँ पे रूट 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 16। तो यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा 24 अपॉन रूट 3। अब क्या करते हैं हर का प्रमेयीकरण कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, क्या करते हैं हम सब हर का प्रमेयीकरण, सॉल्यूशन का भाग को इधर लिख देते हैं, हर का प्रमेयीकरण
हर का प्रेमीकरण से क्या करते हैं डिस्टन, पहले हम सब इसको उतार लेते हैं 24/√3, और √3 को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, √3/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टन, √24 × √3 होगा, और यहाँ पे √3 × √3 हो जाएगा डिस्टन। अब क्या करते हैं, यहाँ 3 है, 3 ones are 3 एंड 3 8s are 24 होता है, इसलिए यहाँ पे 8√3 आ गया डिस्टन मीटर, जो आपको पेड़ की ऊंचाई है। तो हम सब लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 meter यहाँ पे आ चुका है डियर स्टूडेंट। अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।